नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। आओ थोड़ा गपशप हो जाए, ड्यूटी तो होती रहेगी। वैशाली जिला ब्यूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा के साथ कमलेश किशोर की रिपोर्ट। खबर वैशाली जिले के गोरौल थाना अंतर्गत गोरौल चौक स्थित NH-22 पर ड्यूटी कर रहे बिहार पुलिस के जवानों की है, जो बिहार सरकार के द्वारा निर्गत आदेशों का बखूबी अवहेलना करते देखे गए और लॉकडाउन के नियमों को तुच्छ साबित करते देखे गए। जहां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा लगातार आदेश निकाले जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर गाड़ियों में सफर करते हुए या किसी कार्यालय में जाने से पहले मास्क अवश्य लगावे, बिना मास्क के ना रहे। वहीं बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी को यह पत्र दिया जाता है कि सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति ना निकले एवं लॉकडाउन के नियम को तोड़ने वाले के साथ सख्ती से पेश आवे। तो वही गोरौल चौक पर, जो कि गोरौल थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं बिहार पुलिस के जवान बिना मास्क के ड्यूटी पर तैनात देखे गए। और तो और, वह लोग खुद तो बिना मास्क के होते हुए भी दूसरे गाड़ी वाले को हेलमेट मास्क इत्यादि की चेकिंग करते देखे गए। इतना ही नहीं, यह वाकया थाना के महज 200 मीटर की दूरी पर वर्दी वाले लोग ही इस तरह लापरवाही करते देखे जाएंगे तो आम नागरिक क्या करेंगे।